नमस्कार सभी को। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 24 पार्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस पार्ट में आप और हम लोग बार बॉडी पर चर्चा करेंगे। बार बॉडी क्या होती है भाई? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत छोटा है, 2 4 5 मिनट का ये टॉपिक है। मुरे बार साइंटिस्ट थे। मुरे बार साइंटिस्ट सेल्स में मुख्य रूप से मेल और फीमेल के सेल्स की स्टडी कर रहे थे। उस दौरान मुख्य रूप से इनको कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी। फीमेल में दिखाई देती थी, वह मेल में नहीं दिखाई देती थी। तो इन्होंने देखा, मुरे बार साइंटिस्ट ने, कि फीमेल में एक बार बॉडी पाई जाती है। फीमेल में एक बार बॉडी पाई जाती है, क्योंकि फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो इनके सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम गहरे रंग के निष्क्रिय पिंड में परिवर्तित हो जाते हैं। गहरे रंग के निष्क्रिय पिंड में, ये मैंने, देखिए गहरा रंग है तो मैं अलग से इसको करता हूं, गहरे रंग के एक निष्क्रिय पिंड में परिवर्तित हो गए। इसी पिंड या लोब को, ये जो पिंड या लोब बन रहा है, क्योंकि मुरे बार नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से इस लोब की खोज की थी, इस पिंड की खोज की थी, इस वजह से इस पिंड को बार बॉडी नाम दिया गया। लेकिन मेल में एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इस कारण से ये जो बार बॉडी है, इसमें मुख्य रूप से कैसी होती है? एब्सेंट होती है। इसमें बार बॉडी कैसी होती है? एब्सेंट होती है। अर्थात एब्सेंट क्यों है? क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम मिलकर ही एक बॉडी में परिवर्तित हो रहे हैं। दो एक्स क्रोमोसोम मिलकर ही एक निष्क्रिय पिंड में परिवर्तित हो रहे हैं, गहरे रंग के पिंड में परिवर्तित हो रहे हैं। इस कारण से मुख्य रूप से सीधे सीधे कहा जाता है कि इसमें तो बार बॉडी प्रेजेंट थी। इसमें बार बॉडी क्या थी? प्रेजेंट थी। इसमें मुख्य रूप से कैसी है बार बॉडी? एब्सेंट होती है। यदि फीमेल में नॉर्मल फीमेल है, कैसी फीमेल है? नॉर्मल फीमेल है, तो उसमें एक बार बॉडी दिखाई देगी। ये कितनी बार बॉडी दिखाई देंगी? एक बार बॉडी दिखाई देगी। यदि एब नॉर्मल फीमेल है, एब नॉर्मल फीमेल है, सच लाइक सुपर फीमेल सिंड्रोम की स्थिति है। क्या? सुपर फीमेल सिंड्रोम की स्थिति है, तो मुख्य रूप से उसमें यदि 4 X क्रोमोसोम है, तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से दो बार बॉडी मुख्य रूप से दिखाई देती है। तो स्वाभाविक है कि ये एबनॉर्मल है। ये क्या है? एबनॉर्मल है। तो इस बार बॉडी को देखकर आप और हम लोग नहीं, जो मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, इन सेल्स की स्टडी करके यदि एक बार बॉडी देखते हैं, तो ये कहा जाता है कि वह फीमेल यूटेरस में डेवलप हो रही है। और यदि, लेकिन ये फीमेल नॉर्मल है। ये फीमेल कैसी है? नॉर्मल है। यदि बार बॉडी नहीं दिखाई देती है स्टडी के दौरान, क्या इंजेक्शन के द्वारा उनकी सेल्स को निकालो और उन सेल्स की स्टडी करो, बार बॉडी दिखाई दे तो सेक्स कौन सा है? फीमेल है। एक बार बॉडी दिखाई दे रही है तो नॉर्मल फीमेल डेवलप हो रहा है यूटेरस में। और यदि बार बॉडी नहीं दिखाई दे रही है तो वह मेल सेक्स है यूटेरस में, वह मेल सेक्स यूटेरस में डेवलप हो रहा है। यदि एक बार बॉडी से अधिक, दो बार बॉडी दिखाई दे रही है या 3 बार बॉडी दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर वह सुपर फीमेल सिंड्रोम है। वह सुपर फीमेल सिंड्रोम है, यानी कि उस स्थिति में फीमेल कैसी है? एबनॉर्मल है। और यदि एबनॉर्मल है तो डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है कि आप इसको यूटेरस में ही समाप्त कर दें, अर्थात यूटेरस में ही इसको खत्म कर दें।
पेरेंट्स की परमिशन पर मुख्य रूप से इस प्रकार के फीटस को मुख्य रूप से यूटेरस में ही मार दिया जाता है। तो ये अर्थात मुख्य रूप से क्या हुआ, कोई महत्व पूछता है इसका इंपोर्टेंस बार बॉडी का क्या हुआ। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में इन बार बॉडी के माध्यम से ही, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक में मुख्य रूप से इन बार बॉडी के माध्यम से ही सेक्स का पता कर सकते हैं और एब नॉर्मल सेक्स का पता कर सकती हूँ। यदि मेल में एक बार बॉडी दिखाई दे रही है तो यानी कि वह मुख्य रूप से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। यदि मेल में खुदा ना खास्ता एक बार बॉडी दिखाई दे रही है तो वह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्योंकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की स्थिति में मुख्य रूप से मेल में दो एक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं, दो एक्स क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो इस प्रकार के मेल को यूटेरस में ही समाप्त कर दिया जाता है। तो ये आपकी क्या होती है, बार बॉडी का महत्व होता है, अर्थात बार बॉडी का पता करके मुख्य रूप से एमनियोसेंटेसिस टेक्निक द्वारा। तो इस मेथड को क्या कह दिया, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक कह दिया। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के माध्यम से आप सेक्स का पता कर सकते हैं और एब नॉर्मल सेक्स का भी इन बार बॉडी को देखकर पता कर सकते हैं। इन बार बॉडी की खोज किसने की थी, कहीं नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूं, बार बॉडी की खोज मुरे बार नामक साइंटिस्ट ने की थी। विशेष तौर पर आप इस वजह से मुख्य रूप से इन्हीं के नाम के आधार पर इसको बार बॉडी नाम दे दिया गया। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।